हिंदुस्तान समाचार को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि हमेशा से ज्वलंत मुद्दे को आपने उठाया है। ये सच है कि रूरल एरिया में, जैसे कल केस आया पताही ब्लॉक में पकड़ीदयाल अनुमंडल में, कि एक ही गांव जो है बाराशंकर, वहाँ से जो है 40 से ज़्यादा जो है पॉजिटिव पेशेंट्स आए। स्ट्रेटेजी हमारी अभी भी जो है वही है, कंटेनमेंट, आइसोलेशन, क्वारंटाइन और ट्रीटमेंट। बहुत सारे हिस्टोरिक प्लेसेस यहाँ पे हमारे पास है, इसका संवर्धन करना चाहिए और साथ ही में जो है हमारा पर्यटन का भी अवसर जो है हमको ढूंढना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार, मैं हूँ आदेश पुरी। पूर्वी चंपारण ऐसा जिला है जिसे 4 अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व को से जुड़े होने का इसे संयोग प्राप्त है, लेकिन हमने आपको लगातार वीडियो दिखाए और उसके बारे में बताया आपको कि क्या स्थितियाँ हैं वहाँ की, और वही आपको बताया चले कि अभी कोविड प्रॉब्लम चल रहा है, बाढ़ चल रहा है यहाँ पर, तो इन सभी को लेकर हमारे व्यूअर हमसे प्रश्न पूछते रहे कि आप अधिकारियों से इसको लेकर कब बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं मोतिहारी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इनसे हम बात करेंगे। सर, प्रॉब्लम तो बहुत सारा है, अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आ रहा है कि जो कोरोना है वो गाँव में उसका प्रसार हो गया। कल जैसे बाराशंकर में 48 मिले, तो इसके लिए अब सर क्या नया स्ट्रेटजी अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही अचंभे वाली बात है, क्योंकि ये जो राज्य गांव जो थे वो बचे हुए थे अभी तक। सर्वप्रथम आदेश, आपको हिंदुस्तान समाचार को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि हमेशा से ज्वलंत मुद्दे को आपने उठाया है। ये सच है कि रूरल एरिया में, जैसे कल केस आया पताही ब्लॉक में पकड़ीदयाल अनुमंडल में, कि एक ही गाँव जो है बाराशंकर, वहाँ से जो है 40 से ज़्यादा जो है पॉजिटिव पेशेंट्स आए। अगर आप इसमें थोड़ा सा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे, इसका पार्श्वभूमि जानने की कोशिश करेंगे, तो जिस लॉकडाउन 1 और 2 फेज़ में जो हमारे यहाँ पे श्रमिक आए थे या जो लोग बाहर से आए थे, जिसमें कहा गया था कि आप जो है इनको आइसोलेट करें, क्वारंटाइन करें और घर से बाहर नहीं निकले, तो ये बात सामने आ रही है कि वहाँ पर इस निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है और कहीं ना कहीं ये चूक जो है एक दूसरे के संपर्क में आने से जो है वहाँ पे फैलाव हो गया है। स्ट्रेटेजी हमारी अभी भी जो है वही है, कंटेनमेंट, आइसोलेशन, क्वारंटाइन और ट्रीटमेंट। मान लीजिए कि आपके यहाँ पे अभी पेशेंट्स पाए जाते हैं, तो आपको इमीडिएटली जो है उसको, अगर सिम्टोमेटिक है तो हमने डेडिकेटेड कोरोना हेल्थ सेंटर सब अनुमंडल लेवल तक बढ़ाया है, कई जगह पर 70 बेड है, कई जगह पर 100 बेड है, तो वहाँ पे विद ऑक्सीजन सिलेंडर्स आप अपने पेशेंट्स को रख सकते हैं। निशुल्क सेवा है, भोजन के साथ सेवा है, बट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बात है कि आप एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए जो आपसे अननोन पर्सन है। अगर आते भी है तो हम हमेशा कहते हैं कि स्मैश द कोविड, द सोशल डिस्टेंस, मास्क एंड हैंड वॉश, ये हमारे कार्डिनल प्रिंसिपल्स है कोरोना से प्रोटेक्शन के लिए, तो उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। तो इसमें अभी लॉकडाउन भी एक्सटेंड किया गया है, 6 सितंबर तक ये टाइम बढ़ा दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि ग्रामीण एरिया में भी जो युवक है, जो लोग हैं, उनको सजग होना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि कई सारे लोग इसके चपेट में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको कैजुअली भी लेते हैं, तो मेरी अपील यही रहेगी कि कोरोना एक पैंडेमिक है, WHO और ICMR ने भी जो है इसको गंभीर प्रकार की बीमारी कहा है, तो लोग इसको रिस्पेक्ट करें, जो भी डायरेक्शंस आते हैं उसका अनुपालन करें, वाहन में भी जो कैपेसिटी है जो अलाउड उसी से आप प्रवास करें। इसके अलावा भी जो है हमने जो दुकानों के वगैरह डायरेक्शंस दिया है कि एक दुकान में ज़्यादा लोग नहीं रहे, अगर है तो आप कृपया सोशल डिस्टेंस के सर्कल्स जो है उसका अनुपालन करें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम सभी लोगों को ख्याल रखना चाहिए। और अगर हम अपना ख्याल रखेंगे ऑटोमेटिकली अपने समाज का और पूर्वी चंपारण का भी हम जो है ख्याल रखेंगे और उसको सुरक्षित रखेंगे। सर, एक ज्वलंत मुद्दा है, सर मैंने लगातार यहाँ के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस है उसको कवर किया है, 4 ख्याति, सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, बापू और फिर से जॉर्ज ऑरवेल, लेकिन ये जो स्मारक हैं वो सर अच्छी स्थिति में नहीं है, और मैंने उसका सारा वीडियो किया है और मैं खुद जाकर देखा हूँ, लौरिया नंदन अरेस्ट तक गया मैं। सर आखिर जिला प्रशासन और धरोहर है सर ये हमारे पूर्वी चंपारण के लिए और राज्य और देश के लिए भी, सर इसके बारे में कुछ सर प्लानिंग करते, आप कुछ आगे बताते कि उसको कैसे संजो कर रखा जाए आगे के लिए। निश्चित ही ये धरोहर भी है और हमारी अस्मिता और हमारे जो है प्राइड का प्रतीक भी है, हम गर्व करते हैं कि हमको जो है इतना उच्च कोटि का इतिहास प्राप्त हुआ है, केसरिया हो, लोरिया स्तूप हो, जॉर्ज ऑरवेल हो, बापूजी हो, कई सारे स्वतंत्र सेनानी भी है, सुगोली ट्रीटी भी यहाँ पे हुई है नेपाल के साथ,
तो बहुत सारे हिस्टोरिक प्लेसेस यहाँ पे हमारे पास है, इसका संवर्धन करना चाहिए और साथ ही में जो है हमारा पर्यटन का भी अवसर जो है हमको ढूंढना चाहिए। जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है उसके साथ नेचुरल प्लेसेस जैसे मोती झील भी यहाँ पे अवस्थित है, और आपने इन मुद्दों को उठाया, अभी रिसेंटली आपने लोरिया का भी जो है ये मुद्दा उठाया है। इसमें प्रयास हमारा निश्चित रहेगा कि इसको प्रोटेक्ट किया जाए। जैसे केसरिया स्तूप अभी हम देख रहे हैं कि इनुंडेटेड है, वाटर लॉक्ड एरिया है वहाँ पे, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों को भी बुलाया गया था और साथ में यहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट की टीम भी हमारे साथ आई थी। कैसे हम इसको जो है, अब इस साल में तो पानी है, नेक्स्ट ईयर कम से कम जो है वहाँ साइड में अगर हम कोई प्रोटेक्शन वॉल दे दे, क्योंकि उसकी पीछे वाली वॉल जो है वो गिर गई है, तो स्तूप को बचाना भी है हमको। तो ये सारे मेजर्स हम करेंगे अभी, क्योंकि फोकस इज ऑन एक तो बाढ़ की जो आपदा है, इसमें जो हमारा जीआर देना का काम है, फसल क्षति का आकलन विभाग कर ही रहा है, ऑनलाइन किसान अप्लाई कर रहा है, साथ में मकान क्षति भी है, और कोरोना में जो है जो भी आदेश आ रहा है राज्य सरकार केंद्र सरकार के उसका अनुपालन करना। परंतु जैसे ही ये स्थितियाँ सामान्य हो जाएगी हम पुनः उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि एक रोज़गार का अवसर भी वहाँ पर देता है। वहाँ पे केसरिया में गाइड लोग हैं, लोरिया में भी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। जॉर्ज ऑरवेल के लिए आपको बताना चाहेंगे कि उसका पुनः एक बार जो है प्रस्ताव जो है हमने विभाग में भेज दिया है, और मोस्ट लाइकली वो भी अभी सैंक्शन हो जाएगा। वहाँ पे एक ऑडिटोरियम भी आपको प्राप्त होने जा रहा है। बापू जी का जो प्लेसेस है, धरोहर है, वहाँ पर हमारा बापू मार्ग भी बन रहा है, बापू सर्किट भी बन रहा है, जहाँ पर जो है चंद्रैया वगैरह प्लेसेस है वहाँ पर हम लोग, वहाँ पे ऑलरेडी काम चल रहा है, और अन्य प्लेसेस को भी हम इससे जोड़ेंगे और पर्यटन का अवसर ढूंढेंगे। मोती झील को भी हम टेकअप कर रहे हैं। आज ही जो है पुल निर्माण निगम की और आरसीडी की टीम आई थी, वहाँ पे केबल जो ब्रिज है वो उसका प्लान हो रहा था कि शहर का ट्रैफिक भी सॉल्व हो, एट द सेम टाइम एक ऐसी चीज़ प्राप्त हो कि जो एक लगने में अनोखी हो, सिग्नेचर डिज़ाइन का ये ब्रिज है और वहाँ पर पार्क्स भी रहेंगे। तो चीज़ें जो है धीरे धीरे हम अब इस कोरोना एपिसोड में भी मूव करने का प्रयास कर रहे हैं, आप सभी लोगों का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है, इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। सर एक प्रश्न है सर, मैंने कल अहिराज मंदिर का विजिट किया था, तो वहां पर जो पुजारी और पांडा हैं उनकी स्थिति बहुत ख़राब है, तो वो एक वैकल्पिक व्यवस्था जैसे कि वैष्णो देवी में फिर से बाबा धाम में है कुछ लिमिटेड लोगों को दर्शन करने दिया जाए, तो वैसी वो मांग की और हमसे कहें कि एसडीएम या डीएम साहब से आप जरूर कहें कि इस पर कुछ ध्यान दे, राज्य सरकार को भेजें, क्योंकि उनकी स्थिति सर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब है, तो सर उसके बारे में कुछ सर बताते हैं सर। अब इस तरीके के इश्यूज बहुत आ रहा है, क्योंकि जो हमारे वेंडर्स हैं उनकी भी आजीविका का साधन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो रहा है, दे आर फाइनेंशियली हिट। तो जहाँ पे पुजारी लोग हैं हमारे, पंडित लोग हैं जिनको आए और का इनकम उनका जो है घट गया है, साथ ही पूजा भक्तों के साथ उनको से नहीं संपर्क हो रहा है, तो जो है निश्चित ही जो है उनको भी मन नहीं लग रहा है इस कार्यों में। उनका अभ्यावेदन अगर हमको प्राप्त होता है तो निश्चित ही इस इशू को जो है हम राज्य सरकार को भेजेंगे। सर लास्ट प्रश्न सर, अतिक्रमण आपने चलाया कल पूरे शहर में, लेकिन सर ये अतिक्रमण आप चलाते हैं फिर शाम को वो लग जाते हैं, और ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है कि सरकारी ऑफिसेज हैं जो थाना है उसके पास ही लगे रहते हैं, तो सर वो उनकी जिम्मेवारी क्यों नहीं दी जाती है कि वो भी ध्यान रखे अपने ऑफिस अपने थाने के सामने कि वो अतिक्रमण फिर से ना लगाएं, क्योंकि आपने कल चलाया 12 बजे तक, शाम तक फिर सारे दुकान लग गए थे, और हमेशा ये प्रॉब्लम है, हर एक साल का प्रॉब्लम है। ये ड्राइव हम कंटिन्यूसली चलाएंगे, और क्योंकि देखिए अतिक्रमण सिर्फ सोसाइटी को इम्पैक्ट नहीं करता है। देखो कोरोना में भी जो है हम कह रहे हैं कि एक तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, और कल ही की बात है कि क्योंकि लॉकडाउन का आदेश इवनिंग में आया है, तो कहीं ना कहीं जाम हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग भंग होने की संभावना वहाँ पे बनी रही थी। इसमें अतिक्रमण करने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो परमानेंट अतिक्रमण करना चाहते हैं, कि अपना परमानेंट एक स्टोर हाउस बना ले, एक गुमटी बना ले और इस टाइप से, तो वो वेंडर्स भी नहीं है, बस अपना रास्ते को अतिक्रमित करते हैं, तो उन पर कार्रवाई करना आवश्यक रहता है। परंतु आपने सही कहा, जिस ऑफिस के सामने है उसकी ये जिम्मेवारी होनी चाहिए, तो इस तरीके से वार्ता आज हम उसी के लिए बैठक भी कर रहे हैं सारे पुलिस पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, BDOs, SDOs, SDPOs के साथ, तो उसमें ये मुद्दे को भी जो है उनको बताएंगे ताकि इस पर वो आगे की कार्रवाई कर सके।
सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जिलाधिकारी मोतिहारी, और इनका साफ कहना है जितने हमने प्रश्न उठाए उन पर इनका कहना है कि सारे पे विचार किया जाएगा और जल्द से जल्द इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो हम आपके हर एक ज्वलंत मुद्दे को अपने चैनल से उठाते रहते हैं, इसलिए हमारे वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।